बॉलीवुड में बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले अभिनेता सिद्धांत कपूर ने अपनी फिल्म चलती रहे जिंदगी के साथ खूब सुर्खियां बटोरी हैं। ये फिल्म पहले से ही दिल जीत रही है और सिद्धांत कपूर के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा बटोर रही है। बता दें कि फिल्म एक लॉकडाउन ड्रामा है जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया है। फिल्म में कोरोना महामारी के दौरान की मुश्किलों से लेकर इंसानी रिश्तों के बनने बिगड़ने की कहानियां दिखाई गई थी। अब फिल्म के मुख्य कलाकार सिद्धांत कपूर और मंजरी फिडनी से पूछा गया कि उनको शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था। इस पर मंजरी ने कहा कि शूटिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। हमने इस लॉकडाउन में शूट किया था, उस समय सिर्फ 4 लोग थे। मेरी स्टोरी लॉकडाउन के बाद शुरू हुई थी तो उस समय क्रू में केवल 10 लोग थे। उस समय हम लोग घर बैठकर काफी बोर हो रहे थे, तो फिल्म की शूटिंग करना हमारे लिए अच्छे दिनों में से एक था। अपना शूटिंग अनुभव साझा करते हुए सिद्धांत कपूर ने कहा, मेरी कहानी को लॉकडाउन में शूट नहीं किया गया। मैं अजय जी का शुक्रगुजार हूं, उनकी वजह से कहानी आगे बढ़ पाई। उस दौरान मुझे कोविड हो चुका था। शूटिंग के दौरान में मुझे स्मेल और टेस्ट का पता नहीं लग रहा था। शूटिंग मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। फिल्म में मेरा किरदार काफी सीधा था, तो इस फिल्म को करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ग्रे कैरेक्टर बहुत किए हैं मैंने, लेकिन सीधे इंसान की भूमिका पहली बार निभाई है। इंटरव्यू में आगे सिद्धांत से पूछा गया कि आपको कोरोना हो गया था तो शूटिंग पर जाने से क्या आप डर रहे थे। इसका अभिनेता ने जवाब देते हुए कहा, उस समय पूरी दुनिया डरी हुई थी। मास्क लगाकर शूटिंग करना बहुत मुश्किल था। उस समय मुझे पुलिस वालों ने भी पकड़ा था, लेकिन कुछ चीजें ठान लो तो फिर हो ही जाती हैं। मंजरी ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें भी कोरोना हो गया था। आगे सिद्धांत ने बताया कि उनकी यह फिल्म उनके पेरेंट्स को काफी पसंद आई है। मम्मी फिल्म देखकर रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अब पॉजिटिव कैरेक्टर करना शुरू कर दो। कोविड में सबको समझ आ गया था कि इंसान की जिंदगी जरूरी है और इंसानियत जो आज के लोग भूल गए हैं, हमारी फिल्म उन विषयों पर भी प्रकाश डालती है।